दूध की कीमतों में वृद्धि की खबर है, उस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके हमला बोला है। अखिलेश यादव ट्वीट करके लिखते हैं कि भाजपा सरकार में जिस प्रकार दूध महंगा हो रहा है, उसे देखकर तो यह लगता है कि अब लोग दूधो नहाओ जैसे आशीर्वाद भी नहीं दे पाएंगे। भाजपाइयों, बच्चों के मुंह से दूध तो न छीनो। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके दूध की बढ़ती कीमतों पर इस तरीके से हमला बोला है। दूध की बड़ी कीमतों पर अखिलेश यादव का यह ट्वीट अटैक। भाजपा सरकार में जिस प्रकार दूध महंगा हो रहा है, उसे देखकर तो यह लगता है कि अब लोग दूधो नहाओ जैसे आशीर्वाद भी नहीं दे पाएंगे। भाजपाइयों, बच्चों के मुंह से दूध तो न छीनो, यह अखिलेश यादव का ट्वीट। तो दूध की बढ़ती कीमतों पर, दूध की महंगाई पर यह वार अखिलेश यादव का, भारतीय जनता पार्टी पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर। आपको बताएं कि दूध की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की खबर है, हम आपको दिखाते हैं। अमूल गोल्ड प्रति लीटर पहले 60 रुपए था और अब 62 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसी तरीके से अमूल शक्ति, यह पहले 54 रुपए प्रति लीटर था, अब 56 रुपए प्रति लीटर हो गया है। अमूल ताजा प्रति लीटर था पहले 48 रुपए और अब हो गया है 50 रुपए। ऐसे ही आपको बताएं कि मदर डेयरी फुल क्रीम पहले 59 रुपए 1 लीटर दूध की कीमत थी, अब यह बढ़कर हो गई 61 रुपए। मदर डेयरी टोन दूध की कीमत प्रति लीटर पहले 49 रुपए थी, अब बढ़कर हो गई 51 रुपए। और मदर डेयरी गाय का दूध प्रति लीटर पहले था 51 रुपए और अब हो गया है 53 रुपए प्रति लीटर। तो दूध की कीमतों में वृद्धि के बाद गाजियाबाद के लोग भी परेशान हैं। उनका कहना है कि कंपनियां आम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, जब चाहती हैं दूध की कीमतें बढ़ा देती हैं। महंगाई डायन खाए जात है, दूध के रेटों पर भी बढ़ गए हैं अब 2 रुपया। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर लगातार जो वृद्धि है वह लगातार देखी जा रही है। महंगाई की मार एक बार फिर झेलने को तैयार हैं जो दूध पीते हैं उन लोग, वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं मदर डेयरी के। सर, आपसे जानना चाहेंगे मदर डेयरी के जो रेट है अब उन पर 2-2 रुपये बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कहेंगे साहब, महंगाई बढ़ती जा रही है, इंसान आम आदमी परेशान होता जा रहा है, करे क्या, कोई रास्ता है? 2 रुपये क्या, मैं 3 रुपये बढ़ाएंगे 5 रुपये बढ़ाएंगे तो भी दूध लेना पड़ेगा, बच्चों के लिए, चाय पीने के लिए, आदमी क्या करे? ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना, मिडिल क्लास आदमी क्या करेगा, क्यों बढ़ाए चले जा रहे हैं, आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों इतनी महंगाई बढ़ रही है? उम्मीद है आपको कि आने वाले समय में कम होगा रेट जिस तरह बढ़ रहे हैं? बिल्कुल उम्मीद नहीं है, ये बचपन से देखते आ रहे हैं, एक बार जिस चीज़ पर रेट बढ़ गया कभी रेट घटा नहीं है आज तक। देखिए बिल्कुल परेशान हैं लोग, क्योंकि दूध तो पीना ही है, बच्चों के लिए दूध जरूर पीना है। आप बताइए, दूध लेने आए हो? ले लिया? क्या लिया, कितना लिया? 1 किलो। कल क्या रेट में लिया था? वो कल नहीं आया मैं मदन डेयरी पे। पहले किस रेट में लिया था? लिया मैं तो वही 1.50 में लेता था दूध। बढ़ गए 2 रुपए? 2 रुपए बढ़ गए। परेशानी है? हाँ, परेशानी तो है गरीब आदमी को। अमूल और मदर डेयरी, ये वो कंपनियां हैं जो दूध के क्षेत्र में सबसे ज्यादा उत्पाद करती हैं और देश में इनका काफी प्रभाव है दूध को लेकर। दूध कंपनियां, ये वो कंपनियां हैं जो दोनों एक साथ तालमेल कर जिन्होंने दूध के रेट बढ़ाए हैं। अलग अलग कंपनियों से ये सोचता है जो आम इंसान है कि एक कंपनी के दूध के पैसे नहीं बढ़ेंगे तो दूसरी के कुछ कम होंगे या बढ़ेंगे, जैसे भी है, लेकिन दोनों ही तालमेल कर एक साथ पैसे बढ़ा रही हैं। तो इससे जो आम लोग हैं वो बेहद ही चिंतित हैं। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।